हेलो गाइस, ये देखिए ये मूंग रोपा रहा है। तीसरा बार खर निकल रहा है, इसमें काफ़ी दुभी निकल रहा है, और जब तक ये निकलेगा नहीं तो मूंग का खेती अच्छा होगा नहीं। तो गाइस, मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि इस पूरे खेत में से क्या क्या चीज़ निकला है। इसमें है ईटा, खपटा, बालू, घास, और यहाँ पर कुछ घास को इकट्ठा किए तो उसको जला दिए हैं। और एक कोना में आप देख पा रहे हैं कितना ईटा, खपटा, गिट्टी सब निकला है यहाँ से। अब चलिए आगे बढ़ के देखते हैं सर, और कहाँ कहाँ क्या चीज़ निकल रहा है। सर, इतना कचरा निकला है, कुछ भी नहीं है। देखिए कचरा भी यहाँ पर इतना, और यहाँ पर जो ढेर दिख रहा है पूरा घास का, इतना यहाँ पर जल चुका है। जितना यहाँ पर दिख रहा है उसे कहीं ज़्यादा यहाँ पर जल चुका है, अभी बाकी इतना बचा हुआ है। इधर से ये जो तैयारी किए हैं इसमें से इतना गिट्टी निकला है, सारा रोड़ा पत्थर जो है, ये सारा का सारा रोड़ा पत्थर बस इतना सा जगह से निकला है। कम से कम यहाँ इस कोना से लेके उस कोना तक, यानी दीवार के आरी आरी से कम दो पन्नी शीशा निकला है। और ये जो घास फास ईटा खपड़ा शीशा उषा, ये जो हम लोग पूरे खेत में जो चुन रहे हैं, ये पिछले 10 दिन से लगातार हो रहा है, तब जाके ये खेत इतना अभी तैयार हो पाया है। लेकिन अभी भी बाकी है, इसमें अभी सिर्फ रोटावेटर चला था, तो रोटावेटर चलने के बाद ही इतना सारा घास निकला है। अब मूंग बोना है इसमें, तो मूंग बोने के लिए बोला है से इसको एक बार और जोतना पड़ेगा, और जोत के उसके बाद मूंग छींट कर उसको हंगाना पड़ेगा। तो जब उसको जोता जाएगा तो इसके अंदर से बाकी जो घास दबा हुआ है वो भी बाहर निकल के आएगा। तो पहली बार में तो इतना सारा मेहनत हो रहा है, अब उम्मीद है कि अगले साल से, इस साल जितना मेहनत हो रहा है अगले साल से उससे थोड़ा सा कम मेहनत होगा, क्योंकि जो जितना भी मैंने जो घास फूस है ज़मीन में जो दबा हुआ है वो सारा का सारा जब निकल जाएगा तो थोड़ा सा मेहनत कम होगा अगले साल से। तो इस साल तो मेहनत करना ही पड़ेगा अगर कुछ अच्छा तरीके से उपजाना है तो, देखते हैं, बाकी कुदरत के ऊपर है। मेहनत तो कर रहे हैं, अब देखते हैं से मेहनत कितना रंग लाता है। ये जितना भी अभी कचरा निकला हुआ है इस सब को उठा उठा के फिलहाल उधर तक पसार दे रहे हैं, पसार दर छीट दे रहे हैं, तो वहाँ पर जब सूख जाएगा तब तो उसको जला दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो ये कच्चा है ना, तो इसको चून के पहले सभी खर निकालने के बाद इतना सारा कंकर निकल रहा है, इसको भी फेंकना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा बचा हुआ इसको भी फेंक देते हैं। हेलो गाइस, ये देखिए ये मूंग रोपा रहा है चाची, अभी थोड़ा सा डाई